अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्रों तिगो की हाल है ठीक ठाक है आज तुम करेले ते आलू पका के बहा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है सबका ठीक ठाक है हरिये से हैं। आज दादो अम्मा आलू और करेले बनाने लगी हैं वो आपको बना के दिखाते हैं। ले जी माशाल्लाह जी दादो अम्मा ने कढ़ाई ऊपर रख रही है। दादो अम्मा सबसे पहले क्या चीज़ डालनी है? आलू। ठीक है कितना आयल है दादी माँ? डेढ़ कप। ले जी डेढ़ कप आयल है ले जी माशाल्लाह जी। अभी दादो अम्मा जी साइल को गर्म करना है जी। ठीक है जी आयल को दादो अम्मा अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। नहीं जी आयल गर्म होकर अभी दादो अम्मा क्या करने हैं? करेले पाने। ठीक है जी कितने करेले हैं? आधा किलो। नहीं जी आधा किलो करेले हैं अभी दादो अम्मा इनको रोस्ट कर लेंगे। ये आधा किलो करेले ने तो उन्होंने चीर के नमक ला के तो घंटा के रखी रखे धुप्पे। ठीक है जी। फिर उन्होंने धोता धो के फिर टोकरी पाए तो पानी शानी चढ़ जाए। सही है जी। एक चम्मच नमक लगा के इनको धूप में दादो अम्मा ने रख दिया था। दादी माँ जी ये नमक लगा के रखने से इनकी करवाहट दूर हो जाती है ना? रख कौड़े नहीं रहते। ठीक है जी अभी इसको दादी माँ जी आप रोस्ट कर लेंगे। ना रोस्ट करके तो फिर बेच गंडे रोस्ट करने फिर बेच लून मिर्च। ठीक है लें जी माशाल्लाह जी दादो अम्मा ने करेलों को रोस्ट कर ली है। अभी दादो अम्मा जी इसको निकाल लेना है। ठीक है जी अभी दादो अम्मा इसको निकाल लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से आपने ब्राउन कर लेने हैं। कितने दादी माँ जी प्याज हैं? आधा किलो। ठीक है जी आधा किलो प्याज हैं इसी आयल में दादो अम्मा इसको ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह जी दादो अम्मा जी इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। दादो अम्मा जी प्याज ब्राउन हो गए हैं। देखें जी इस तरीके से आपने भी प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है। और अभी दादो अम्मा क्या डालने लगे हैं? अदरक का थूम। ठीक है जी एक चम्मच अदरक का पेस्ट और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट है जी। और अभी दादो अम्मा क्या डालने लगे हैं? टमाटर दो टमाटर ने चार पांच मिर्चें। ठीक है जी दो टमाटर और चार पांच सब्ज मिर्चें हैं जी माशाल्लाह जी। और इसके साथ में एक चम्मच नमक है एक चम्मच सुरख मिर्च एक चम्मच हल्दी एक चम्मच सुरख दादन मिर्च है जी। अभी दादो अम्मा जी मसाले को भून लेंगे आप? ठीक है जी अभी दादो अम्मा अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। दादो अम्मा जी मसाले को भून लिया है। ठीक है जी दादो अम्मा ने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया। अभी दादो अम्मा जी क्या डालना है? ठीक है कितने आलू हैं? आधा किलो आलू हैं जी। माशाल्लाह जी अभी दादो अम्मा जी क्या डालने लगे हैं? आधा कप पानी। ठीक है जी आधा कप पानी डालने लगे हैं। इसी दादो अम्मा जी पानी से आलू गल जाएंगे। ठीक है जी आधा कप पानी दादो अम्मा ने डाल लिया है। अभी आलू अच्छे तरीके से गल जाएंगे इसी पानी में। नहीं जी माशाल्लाह जी दादो अम्मा ने इसको ढक के रख दी है। अभी दादो अम्मा ये कितने टाइम में गल जाएंगे आलू? ठीक है जी 5 मिनट में हमारे अच्छे तरीके से आलू गल जाएंगे उसके बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्रों तिगो की हाल है ठीक ठाक हो अल्लाह तो जिंदगी दे तंदरुस्तियां दे आमीन जी। देसियां परदेसियां दी खैर होवे मेरियां तियां पुत्रां दी खैर होवे परदेस देस दे विच दोतर पोतर सब दी खैर होवे अल्लाह मेरे बच्चों की जिंदगी अल्लाह देने अल्लाह इन्हां दियां कमाइयां च बरकत पाए मौला सोना इन्हां दे बाल बच्चे नूं फरमादार बनाए माँ प्यो का अल्लाह जिंदगियां देने अल्लाह पढ़न ते वड्डियां वड्डियां अहुदियां च होण अल्लाह जिंदगी देने तंदरुस्ती देने अल्लाह बीमारां नूं शिफा दे अल्लाह पाक जिंदगी दे तंदरुस्ती दे मेरियां तियां दियां झोलियां हड़ियां भरियां करे अल्लाह बीमारां नूं शिफा दे मौला सोना आमीन। अल्लाह इमरान खान भी फतह दे अल्लाह तंदरुस्तियां दे आमीन। अल्लाह तफाक दे इस मुल्क दे उत्ते खैर होवे अल्लाह खैर करे मेरे पुत्रों तिगो दुआवां करो इमरान खान वास्ते अल्लाह पाक इन्हां जिंदगियां दे अल्लाह इन्हां बादशाहां नूं तफाक दे मौला दी जात पाकिस्तान नूं अल्लाह फतह दे आमीन।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਆਮੀਨ। ਠੰਡ ਪਾਏ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਕੁ ਟੁਕੜਾ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬਸ ਬਦਲ ਕਰੇ, ਦੇਸੀਆਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ ਨਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਰੇ ਮੇਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੂਟੇ ਲਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ। ਆਮੀਨ। ਦਾਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਆਲੂ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਲੂ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਭੀ ਦਾਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਆ ਡਾਲਨੇ ਲਗੇ? ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਭੀ ਦਾਦਾ ਮਾਂ ਕਰੇਲੇ ਡਾਲਨੇ ਲਗਾ ਜੋ ਹਮਨੇ ਫਰਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲੈ ਜੀ ਅਭੀ ਦਾਦਾ ਮਾਂ ਸਾਥ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਨਾਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਡਾਲਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਚੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਇਸਕੋ ਆਪਣੇ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਕੋ ਦਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸਕੋ ਭੁੰਨ ਲਿਆ, ਰੱਬੀ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਦਾਦਾ ਮਾਂ ਡਾਲਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਭੀ ਦਾਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਸਕੋ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸਕੋ ਆਪ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲ ਜਾਏ। ਲੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹਮਾਰੀ ਹੰਡੀਆ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। अच्छा तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।